ये कैसे किया तूने? वो क्या है ना मैं I don't know. अरे भाई एक बात बताओ, ये बाबर आजम ऊपर वाले से यही एग्रीमेंट करवा कर आए हैं कि मालिक पैसा और कैरियर चाहे थोड़ा दे देना, पर इंटरनेट पे ट्रोलिंग बोरी भर भर कर चाहिए हमें। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। इसके अलावा गाइस आपको बाबर के कमबैक और पाकिस्तान के नेक्स्ट व्हाइट बॉल कैप्टन के बारे में भी बताएंगे, और इंडिया जो 3 साल बाद मैच हारी है, पंत 7वीं दफा 90s में आउट हुआ है, बड़ा ही कोई अनलकी बंदा है यार ये, इनको भी डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम लोग मीम्स भी देखेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ लगी घंटी को बजा दे। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो बस। भाई मुझसे ना बस दो ही चीजें नहीं देखी जाती। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक पाकिस्तान की पिटाई, एक बाबर की ट्रोलिंग। बाबर की इतनी ट्रोलिंग देखकर मोहम्मद आमिर ने भी बाबर के फेवर में ट्वीट किया है कि प्लीज ये बकवासियत बंद करो कि बाबर नहीं था या ये प्लेयर नहीं था तो इसलिए पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान अपने अच्छे डिसीजंस की वजह से जीता है। अब पाकिस्तान का सबसे अच्छा डिसीजन कौन सा था वो बता दिया तो फिर आमिर भाई बोलेंगे कि बाबर को ट्रोल कर रहा है। निकलने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अरे कहाँ ट्रोल कर रहा हूँ, मैं तो बस पीसीबी के अच्छे डिसीजंस बता रहा हूँ। बात तो सही है आमिर की, तो अब से बाबर को कोई ट्रोल नहीं करेगा, जब वो टीम में आ जाएंगे तब करना। मैच के बाद बाबर के साइको फैंस को मैंने लिटरली सोशल मीडिया पर रोते हुए देखा है, जो बोल रहे हैं कि बाबर नहीं था तो इस जीत का कोई फायदा नहीं है। इनको मैं बता दूं कि भाई या तो बाबर को रख लो टीम में या फिर मैच जीत लो, ऐसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इतनी अंधी फैन फॉलोइंग वो भी जीरो परफॉर्मेंस के साथ मैंने आज तक नहीं देखी। पाकिस्तान गया भाड़ में, इनको बस बाबर चाहिए। बाबर भाई अगर थोड़ी परफॉर्मेंस पे फोकस कर लेते तो आज पीआर पे डिपेंड नहीं करना पड़ता आपको। ये देखकर शान तो बोले जा रहे हैं कि मालिक कैरियर चाहे थोड़ा दे देना पर ऐसी अंधी फैन फॉलोइंग मत देना। खैर बाबर के कमबैक के बारे में बता दूं कि T20 में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आकिब जावेद को चीफ सिलेक्टर बना रहे हैं और उन्होंने दो ही कंडीशंस रखी हैं कि एक मेरिट पे सिलेक्शन होगी, दूसरा जिस फॉर्मेट का कोई प्लेयर है उसी फॉर्मेट में वो खेलेगा। तो बाबर T20 फॉर्मेट का प्लेयर है या नहीं, अब ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोच कैप्टन के सिलेक्शन पावर्स भी खत्म कर दी गई हैं। इधर पाकिस्तान में तो हमारा बड़ा ही बिजी स्केड्यूल बना हुआ है। जैसे ही मैच खत्म हुआ है दूसरे दिन पीसीबी ने ये न्यू कैप्टन वाली स्कीम पे फैंस को डाइवर्ट कर दिया है, अब हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल सीरीज बस नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है, तो कैप्टन को लेकर न्यूज ये आ रही है कि पीसीबी ने डिसाइड तो कर लिया है, बस नेम रिवील करना बाकी है। तो भाई कर दो या सलामी शुगर लेकर रिवील करोगे? और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अनऑफिशियली रिजवान को कैप्टन बना दिया गया है। बस इस डिसीजन के बाद ICC से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो ये पोस्ट मैच इंटरव्यू पे बैन कर दे, एटलीस्ट पाकिस्तान पे तो बैन कर दे, और जो भी कोई इनाम जीते उसके घर ऑनलाइन डिलीवरी कर दे, वरना बड़ा पछताओगे। दूसरा यार, कल के मैच की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, जिसपे हमारे रिजु भाई बोल रहे दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन DRS। मुझे लगता है भाई गलत बोल गए, वो बोलना चाह रहे थे दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ, विकेट के पास खड़ा हूँ लेकिन मेरा काम बस फेक अपील करके अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करना है, सारा ध्यान फेक एक्टिंग की तरफ रहेगा, अगर एज लग जाए तो फिर मुझसे नहीं पूछना। सारी कंट्रोवर्सी में रिजु भाई खुश थे कि देखा एक्टिंग का कमाल, साफ नॉट आउट को भी आउट करवा दिया, इस टीम को बस मैं ही संभाल सकता हूँ। उधर वो इंग्लैंड का बैट्समैन पास खड़ा है, वो भी सोचे जा रहा है कि इतनी बेकार अपील्स करता रहेगा तो किसी दिन अंपायर का BP जरूर बढ़ाएगा ये इंसान। दूसरी तरफ यार इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच खत्म हो गया, इंडिया ने कमाल फाइट बैक किया लेकिन बहुत देर कर दी, एक इनिंग से रह गए, न्यूजीलैंड बहुत लीड ले गया था। पंटू मेरे भाई को रिस्की काम बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ये तो गलत प्रोफेशन में आ गया, ये खतरों के खिलाड़ी पंट भाई का आइडिया तो नहीं था। उधर से बाबर आजम बोल रहे हैं कि इनका गेम ही खराब है, 90s में सिंगल्स लेने होते हैं, बाउंड्री कौन मारता है, अगर 90s में नर्वस नहीं होगे तो यही होगा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यार ये केएल राहुल को तुम लोगों ने राजा बेटा का टाइटल क्यों दिया हुआ है? मैंने आज तक इसको प्रेशर सिचुएशन में कभी इसको परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। एक हमारा बाबर आजम है जो जबरदस्ती का किंग बना हुआ है, उसने भी रन बनाए हैं लेकिन मैच नहीं जिताया, माँ खुश हूँ के चलो ऐसा एक राजा बेटा अब तुम लोगों के पास भी है।
तू मेरी नकल करता है? मैं एक बात सोच रहा हूँ कि न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया को तंग करती है, क्या चीज लेकर भागे हो तुम लोग इनकी? कोई बैठकर सेटलमेंट कर लो यार इनसे। मतलब आई थिंक पिछले 3 साल में इंडिया फर्स्ट टाइम घर पे हारा है, और वो भी न्यूजीलैंड से, और हम लोग जीते हैं। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हम पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं आ गए, सब कुछ उल्टा चल रहा है। भाई नेक्स्ट मैच में ऑब्वियसली इंडिया फाइट बैक करेगा, और हमारी तरह स्ट्रीक बनाने पे फोकस थोड़ी करते हैं ये लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आ जाओ आज की मीम्स देखते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम विदाउट बाबर आजम। मुझे क्यों तोड़ा? अब इस जीत का क्रेडिट बाबर आजम को कैसे दूं? अरे क्या शान मसूद भाई, ये पिच के अकॉर्डिंग कौन बॉलर्स को बॉलिंग देता है? बार बार फास्ट बॉलर्स लगाओ ना। अच्छा ठीक है, समझ गया। पता है हम मैच कहां हारे? बाबर आजम ड्रॉप्ड, पाकिस्तान वॉन। मिरकल मिरकल मिरकल। पाकिस्तान फ्यूचर क्रिकेटर, देयर चाइल्डहुड पिक्चर्स, द किंग ऑफ जंगल, द किंग ऑफ इंटरनेट। गजब बेइज्जती है, पीस बड़ा टैट है। तो गाइज कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट रोज ही क्रिकेट कॉमेडी वीडियोस आती रहती है। सो डोंट मिस देम। हंसते रहें, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।